कुछ भी हो रहा है, इमरान खान अपनी तरफ से तो इसे एक मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं, क्योंकि वो कल ही कह रहे थे कि मैं कप्तान हूं, मेरे पास कई प्लान है, और प्लान के तौर पर आज उन्होंने यहां पर जिस तरह से सबके सामने एक तो संसद भी भंग करवाई, राष्ट्रपति के सामने वो प्रस्ताव भी लेकर गए, इस पर भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन इसी तरीके से आखिर होगा क्या, क्योंकि कोर्ट में आज क्या होगा इस पर निगाहें सभी की बनी हुई है, एबीपी न्यूज भी लगातार इस पर अपडेट आप तक पहुंचाएगा, लेकिन दूसरी तरफ ग्राउंड जीरो से भी हर एक जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वहां पर मौजूद हमारे संवाददाता हमजा अमीर, जो कि बता रहे हैं कि पल पल की अपडेट वहां से फिलहाल उनको क्या मिल रही है, उनकी एक रिपोर्ट पहले देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा था कि उनको आखिरी बॉल तक लड़ेंगे और उनके पास एक सरप्राइज मौजूद है, और इस सरप्राइज को लेकर आज वाकई ही जो उन्होंने किया वो किसी सरप्राइज से कम नहीं था, क्योंकि आज जहां ऑपोजिशन सेलिब्रेट करती हुई आई थी, नंबर्स लेके आई थी, अपनी ताकत दिखाया, उन्होंने ला के बंदे भी बिठा दिए, 174 बंदा उनका मौजूद था, लेकिन इमरान खान असेंबली में नहीं आए। और उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि एक ऑलरेडी प्लान स्ट्रैटेजी तैयार थी गवर्नमेंट की तरफ से, जो उन्होंने आज शो की। ये उनका ट्रम्प कार्ड था जो प्राइम मिनिस्टर की हाउस की ताकत को दिखाया, और वो ये था कि एक तरफ जहां डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग शुरू करने से पहले फवाद चौधरी लॉ मिनिस्टर को खड़ा किया और उन्होंने ये कहा कि आर्टिकल 5 का इन्वोक होता है क्योंकि एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी के जरिए पाकिस्तान में रिजीम चेंज करने की कोशिश की जा रही है और उसको रोकना है कि बहुत सख्त ज़रूरत है, इसी वजह से लॉयल्टी टू द स्टेट ऑफ पाकिस्तान एंड कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 5 ऑफ द पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन वो अप्लाई करना चाहिए और इस रूलिंग को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करना चाहिए। ABP News, आपको रखे आगे।